नमस्कार, दिव्य ज्योति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में, यानी कि शनि के बारे में, कि अगर हमारी कुंडली में शनि ठीक नहीं है, हमारे शनि की साठ सती चल रही है या ढैया चल रही है। सबसे पहले आपको मैच कैसे करना है कि हमारी कुंडली में शनि ठीक नहीं है। अगर आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है, पहले सब बहुत अच्छा था, यानी कि आपका स्टेबल बिजनेस था, स्टेबल घर था, आपका घर बिक गया है, दुकान बिक गई है, या पहले जो आप जितने पैसे कमाते थे उतने नहीं कमा पा रहे, या आप खाना भी अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे और पहले बहुत अच्छा था, यानी कि जो एक्सट्रीम डाउनफॉल अगर आपके जीवन में आया, तो 100% आपकी कुंडली में आपका शनि खराब है, या शनि की साठ सती शुरू हुई है, या शनि की ढैया शुरू हुई है। अगर आप आलसी हो गए हो कि जो काम आज करना था वो एक महीने बाद हो रहा है, 15 दिन बाद हो रहा है, वीक के बाद हो रहा है, आपको लग रहा है कोई ना आज नहीं कल कर लेंगे, देखते हैं सोचते हैं, और जो आपके आसपास का एरिया गंदा होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, आपको गंदगी अच्छी लगने लग जाएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे आसपास का एरिया कैसे है। आप पहले सफाई बहुत पसंद करते थे कि सब प्रॉपर अपनी जगह पे होना चाहिए, सिस्टम से होना चाहिए और सब चीजें बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, लेकिन आजकल आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो जहाँ पे कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका शनि 100% खराब है। और आलस, मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको आलस भी आता है तो भी आपका शनि खराब है। अगर आपको अकेलापन फील हो रहा है, आपको लग रहा है मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, तो भी आपका शनि खराब है। अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कोई भी रिलेशन में या बिजनेस में कि कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो भी आपका शनि खराब है। और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, उनके साथ कुछ आपके इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर हो रहे हैं या पैसे को लेकर या कुछ भी, तो भी आपका शनि खराब है। इसका मतलब ये है। अब आप शनि को ठीक कैसे कर सकते हो, मैं बिल्कुल एक छोटा सा और बहुत ही अच्छा और जो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, जिसने भी किया उसको बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और बिल्कुल ईजी कि हर कोई उसको कर सकता है, उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उपाय बताने जा रही हूँ। इसको छोटे बड़े सब कर सकते हैं। आपने चाय पिलानी है, अपने सर्वेंट को भी पिला सकते हो, जो आपके घर में कूड़ा लेने आता है उसको भी पिला सकते हो, जो आपकी सोसाइटी क्लीन करता है उसको भी, जो पब्लिक टॉयलेट क्लीन करता है उसको भी, या जो पब्लिक वाली रोड क्लीन करता है उसको भी, किसी को भी आप चाय पिला सकते हो। और आपने भी आफ्टर सनसेट, यानी कि इन द इवनिंग, सनसेट के बाद एक कप चाय का पीना, स्पेशली सैटरडे को। सैटरडे को तो पक्का पीना है, रूटीन में अगर पियोगे 21 डेज तो बहुत अच्छा है। अब आप कहोगे कि ये चाय और शनि, चाय को हम शनि का रूप मानते हैं क्योंकि चाय में जो चाय पत्ती है उसमें थोड़ी कैफीन होती है, तो जब हम ये डोनेट करेंगे किसी को देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, और जो हमारे घर में लेबर काम करती है या हमारे सर्वेंट है, ये सब शनि में आते हैं। हम पहले भी बोलते थे कि अपने जो सर्वेंट, अगर आप उनसे रिलेशन अच्छे रखोगे, उनसे प्यार से बात करोगे तो आपका शनि कभी खराब नहीं होगा। लेबर वाले लोगों से अच्छे से बात करोगे तो भी शनि कभी खराब नहीं होगा। ये प्रिकॉशन है आपको कि कोई भी लेबर वाले से आपने बदतमीजी नहीं करनी है, किसी भी गरीब आदमी से जो असहाय है उससे बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी है, उससे आपका शनि खराब होगा। जो लोग नौकरों पे चिल्लाते हैं, आपको अगर नौकर अच्छा नहीं लग रहा या अच्छा काम नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको चेंज कर सकते हो आप, लेकिन आपने चिल्लाना नहीं है उस पे सुबह शाम, क्योंकि वो भी आपको वहां से नेगेटिव एनर्जी भेजेगा कि नहीं क्या है। अगर आप उसको वहां से निकाल दोगे, ऑब्वियसली बात है उसने कहीं और जॉब कर लेनी है, उसके जीवन पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, हमारे भी नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं बोलना है किसी को भी, है जो सड़क साफ करने वाले हैं कि आपको दिखता नहीं है आगे ये वो दिस एंड दैट, इस टाइप के कोई भी वर्ड आपने उनको लेकर यूज नहीं करने है, तो आपका शनि खराब नहीं होगा। और चाय वाला उपाय मैंने आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये हमारी कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे दी गई है। आप बहुत सारे लोग मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, मैडम ये कैसे है, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे होती है हमारी, तो वहां पे जाके आप आराम से डिटेल में देख सकते हो, तो वहां पे जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं मैंने उन सबका आंसर दिया होता है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे भी या यूट्यूब चैनल पे भी मैं देखती रहती हूँ, या व्हाट्सएप पे भी मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।